नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं रियल न्यूज़ हरियाणा के साथ और हम पहुंचे हैं संगम हॉस्पिटल के अंदर, जहां ब्लड डोनेट करने वाली संस्थाओं को सम्मानित किया जा रहा है। लगातार मानवता की जो सेवा की जा रही है, संगम जो ट्रस्ट है वो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। और आज यहां पर एक समारोह आयोजित किया गया था, उसके अंदर जो ब्लड डोनेट करती है संस्थाएं उनको सम्मानित किया गया। तो हमारे साथ टोहाना रतन डॉक्टर शिव सचदेवा जी और पाल जी यहां पर हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे जानेंगे कि किन किन संस्थाओं को यहां पर सम्मानित किया गया और आज का जो ये इतना भव्य समारोह यहां पर आयोजन किया गया था, क्यों किया गया था। सर नमस्कार। नमस्कार सर, आज जो ये समारोह आयोजित किया गया इसके बारे में आप हमें जानकारी दीजिए। हर साल 18 दिसंबर को हमारा स्थापना दिवस होता था। 18 दिसंबर 2018 को हमने इस ब्लड बैंक की शुरुआत की थी। तो इस इलाके की 65 के लगभग संस्थाएं थी जो यहाँ पे ब्लड डोनेशन का काम करती हैं। हमारा जो ब्लड बैंक है इसमें आज तक 7300 के लगभग ब्लड डोनेट हो चुके हैं और लोगों को दिए जा चुके हैं। इनमें हमारा जो ब्लड बैंक का थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के लिए काम करता है, जिसमें 44 बच्चे हैं जो थैलेसीमिया पीड़ित है, उनको हम ब्लड फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। तो सर किन किन संस्थाओं को आज यहाँ पर सम्मानित किया गया है? इलाके की 65 संस्थाएँ थी जो मुख्य रूप से है यंग ब्लड इंडिया, इंडिया ब्लड बैंक, टोहाना ब्लड बैंक, मातृ महिला समाज सेवा, ये टोहाना की जो संस्थाएं हैं, भारत विकास परिषद टोहाना की 10 संस्थाएं हैं, बाकी सराउंडिंग की संस्थाएं हैं। सर हमारे साथ टोहाना रतन डॉक्टर शिव सचदेवा भी जुड़े हुए हैं। सर क्या कहना चाहेंगे आप? टोहाना रतन हैं, लगातार टोहाना की सेवा कर रहे हैं और ब्लड डोनेट करने वाली हर संस्था को यहाँ पर सम्मानित किया गया है, क्या कहेंगे? आज रक्त सारथी सम्मान समारोह मनाया गया और ब्लड बैंक का 4th स्थापना दिवस था मानव सेवा संगम का, और इस पर 65 संस्थाओं को सम्मानित किया गया। क्योंकि अपना मानव सेवा संगम का कर्तव्य भी बनता है कि उनको समय समय पर सम्मानित करें, क्योंकि जितने भी रक्तदाता हैं वो एक हीरो के रूप में होते हैं, और जैसा कि आज उनको रक्त सारथी की संज्ञा दी गई है, वो इसलिए दी गई है क्योंकि जो एक व्यक्ति है जब ब्लड देता है तो 3 व्यक्तियों की जान बचती है, क्योंकि प्लेटलेट भी चले जाते हैं, RBC भी चले जाते हैं, प्लाज्मा भी जाने लगे अब कोरोना काल में। तो इस प्रकार 42 थैलेसीमिया के जो बच्चे हैं, मानव सेवा संगम ब्लड बैंक जो है इनको फ्री प्रोवाइड करता है, निःशुल्क प्रोवाइड करता है, उनको प्रोत्साहित भी करता है और गवर्नमेंट से भी कम रेट पर यहाँ पर ब्लड दिया जाता है बगैर रिप्लेसमेंट के। सर वर्ल्ड रिकॉर्ड जिस संस्था के नाम है डेरा सच्चा सौदा भी यहाँ पर पहुँची थी, उन्हें भी सम्मानित किया गया, क्या कहेंगे? डेरा सच्चा सौदा के बारे में देखो, उनकी 135 जो सेवा कार्य चल रहे हैं उनमें से आज 132वां जो सेवा कार्य है वो शुभकामना के रूप में मनाया जाता है। तो शुभकामना के रूप में जो यहाँ पर मानव सेवा संगम के रोगियों से शुरुआत की गई थी उनको फ्रूट्स दिया गया था, शुभकामना देते हुए उनको कहा गया था कि आप अगर ये फ्रूट्स खाते हैं गुरुजी की कृपा से, अगर ये फ्रूट अगर आप लेते हैं तो आप स्वस्थ शीघ्र स्वस्थ हो जाएंगे। तो उनको आज सभी मरीजों को शुभकामनाओं के रूप में फ्रूट्स वितरित किया गया। मैं डेरा सच्चा सौदा को सलाम करता हूँ। सर ब्लड डोनेट करते समय बहुत सारी जो भ्रांतियाँ हैं वो अभी भी लोगों के अंदर भय रहता है कि ब्लड डोनेट करने से कमज़ोरी आएगी या और किसी प्रकार की जो दिक्कतें आती हैं शरीर में, क्या कहना चाहेंगे? देखिए जागृत तो हो चुका है समाज, फिर भी आप क्या कहना चाहेंगे? देखो टोहाना में जितनी जागृति आई है मैं समझता हूँ कि कहीं भी नहीं आई, क्योंकि सभी की जो मिसकंसेप्शन थी, सभी की जो भ्रांतियाँ थी वो दूर हो चुकी हैं अब। क्योंकि पहले तो लोग डरते थे ब्लड डोनेट करने में, अब तो व्यक्ति पहली बार ब्लड दे देता है तो एक परंपरा बना लेता है, हर 3rd महीने वो खुद ब खुद उसकी बॉडी डिमांड करना शुरू कर देती है कि मैं ब्लड दूं। और इससे होता क्या, कुछ भी नहीं होता, 5-10 मिनट का समय लगता है और हम 3 व्यक्तियों को जीवन दान देते हैं। तो ये हमारे साथ टोहाना रतन डॉक्टर शिव सचदेवा जी थे और इन्होंने कहा है कि खुलकर रक्तदान करें, 3 जिंदगियां बचाएं। रक्तदान लगभग 1 हफ्ते के अंदर पूरा हो जाता है, शरीर में किसी प्रकार की कमज़ोरी नहीं आती। तो आप भी जैसे
संगम हॉस्पिटल सेवा में तत्पर रहता है तो आप भी उसका हिस्सा बन सकते हैं, आप भी मानवता की सेवा कर सकते हैं। तो देखते रहें रियल न्यूज़ हरियाणा।